ले, मेरी मुन्नी को रोना क्यों आ रहा है? भूख लगती है तो ही रोती है। अच्छा चल गंगू, जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? आज हमारी किस्मत खुलने वाली है। क्या बोल रहा है तू? अरे गंगू, कल रात को तो बोला ना लॉटरी के 2 टिकट लेकर आया हूँ। आज 11 बजे उसका ड्रा होने वाला है। अरे एडिया, तू पागल है क्या? ये लॉटरी उटरी ना सब बेवकूफ बनाने का धंधा है, कुछ भी नहीं। खाली ना लोगों को धोखा देते रहते हैं। ये लॉटरी वोटरी कुछ नहीं होता। हाँ अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, तुम्हारी मर्जी, मैं तो नहीं आ सकती। अरे गंगू, तू भी चलती तो थोड़ा अच्छा होता था। मैं अगर तेरे साथ चली गई, तेरी इस बच्ची को कौन संभालेगा? इसे दूध कौन पिलाएगा? इसे नहलाएगा कौन? और वो चंपा चमेली, अरे उसे तो अपने मेकअप, अपने कपड़ों से ही फुर्सत नहीं है। वो अपने काम नहीं निपटा पाती तो ये बच्ची को क्या संभालेगी? खाक, तू जा, मैं इसे संभाल लेगी। और हाँ, तुम्हारी लॉटरी वोटरी वो लगे या ना लगे, तुम्हें इधर उधर नहीं जाने का, सीधे इधर आने, समझा? गंगू, आज भी क्या भरा रहता है तुम्हारे दिमाग में हर टाइम? और कुछ नहीं समझता क्या तुमको? चल जाना, अरे जाना बाबा। क्यों सता रहा है मेरे को? मेरी गंगू। ले ले ले। हाँ बोल बाबू। हेलो। अरे क्या हुआ गंगू? हम लखपति बन गए। क्या क्या बोल रहा? तू मेरे से मजाक तो नहीं कर रहा ना? हम लखपति बन गए गंगू। क्या लखपति हो गए? ए सच में तू मेरे से मजाक तो नहीं कर रहा ना बाबू? सच बता, मैं मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। सच में लखपति बन गए? वो मैं जो लॉटरी लिया था ना, 25 लाख की, 50 लाख की, वो दोनों भी अपने को लग गए। अब लखपति बन गए। ये सच बता बाबू, तू लखपति बन गए? कसम खा के बोल रहा हूँ, हम लोग लखपति बन गए। हाँ हम लखपति बन गए, लखपति हो गया बाबू, लखपति हो गया। किस्मत का खुल गया ताला, किस्मत का खुल गया ताला, खुल गया ताला। मैं 6 ओला कारा बुक कर दिया। 6 ओला। पंडित जी, मैं अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप पूजा की तैयारी करिए पंडित जी। कौन हो सकता है? माँ। अरे बेटी, तू इतनी रात को इतने दिन से कहाँ थी? माँ। क्या हाल बना रखा है? आओ अंदर आओ संभल के। माँ। बेटी रागनी, ये क्या हाल बना रखा है तूने? अब आ बैठ। माँ। अजी सुनते हो, जल्दी आइए। कौन आया है शगुन? हमारी बेटी रागनी आई है बाबा। मेरी कोई बेटी नहीं है, कान खोल कर सुन लो। अगर इसे इस घर में रहना है तो रहे, लेकिन आज से इसका और मेरा रिश्ता खत्म, समझ गई तुम? भगवान के वास्ते आप ऐसा मत कहिए, बच्चे अगर गलती करते हैं तो क्या उनके माँ बाप उन्हें माफ नहीं करते? बेटी उठ, बेटी उठ, तेरे बाबा अभी गुस्से में हैं, तू उनके बातों का बुरा मत मान। प्लीज बेटी प्लीज, हिम्मत से काम ले, तेरे बाबा का गुस्सा 2-4 दिन में उतर जाएगा।